खेती कानूनों बारे कंगना के बयान के उत्ते सियासी घमसान जारी। तो राहुल गांधी ने कंगना के बयान के उत्ते बीजेपी घेरिया है तो कहा कि कौन तय कर रहा है सरकार की नीति। बीजेपी का एक सांसद या प्रधानमंत्री मोदी किसानों की शहादत लेके भी बीजेपी का मन नहीं भरया, यह राहुल गांधी कहते नजर आए। तो उन्होंने कहा कि किसानों के खिलाफ बीजेपी की साजिश कामयाब नहीं होगी। काबिले गौर है कि कंगना रनौत वालों स्टेटमेंट दी गई थी कि तीन खेती कानून वापस आने चाहिए ने, कुछ सूबे वालों ही विरोध किया गया। हालांकि उसके उत्ते भी कंगना की खोट स्टेटमेंट आ चुकी, वह भी तुम दिखावे, पर राहुल गांधी भी इस पूरे मुद्दे उत्ते बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे। बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं, ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है, उनके एक सांसद ने किसान कानून जो काले कानून थे उनको रिवाइव करने की बात की। मोदी जी आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी करते हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। तो खेती कानूनों के उत्ते बवाल लगातार जारी है, पर इस सब दे विचाले बीजेपी की एमपी कंगना रनौत ने खेती कानूनों नूं लेके गए दिते गए बयान दे उत्ते यू टर्न मार लिया। कंगना ने कहा कि जेकर मैं अपने बयान दे नाल किसी नूं डिसअपॉइंट किया है तो मैं अपने शब्द वापस लेंदी हाँ। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक, थैंक यू। कंगना रनौत ने मंगलवार को कहा कि तीन खेती कानूनों का विरोध केवल कुछ सूबों के होया, हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि किसानों के हित खेती कानूनों वापस लिया जाए, पर एक ही दिन कंगना ने अपने बयान से यू टर्न मार लिया। तो कंगना ने यू टर्न मार लिया क्योंकि बीजेपी लगातार घेरिया जा रहा है। कंगना ने अपने बयान के उत्ते सफाई उस समय दी जो उन्होंने बयान को लेकर विरोधी बीजेपी घेरन लगे हुए सन। कंगना के बयान से यू टर्न के बावजूद कांग्रेस उन्होंने घेर रही है। कंगना जी तो महज मुखौटा है, भारतीय जनता पार्टी टेस्ट करना चाह रही है कि क्या फिर से वो काले किसान कानून वापस ला सकती है, किसान विरोधी कानून, और ये फैसला हरियाणा को करना है। उसी आम आदमी पार्टी भी कंगना की बहाने बीजेपी को निशाने ते ले रही है। कौन कौन चाहता है कानून आने चाहिए? नहीं आने चाहिए ना, नहीं आने चाहिए ना, लेकिन ये दिखाता है कि उनकी मंशा है कि तीनों कानून वापस आए। कंगना रनौत जी ने मांग करी है कि तीनों किसानों के कानून वापस लागू किए जाएं। जबकि बीजेपी के बुलारे गौरव भाटिया ने वीडियो जारी करके कहा कि कंगना नु तीन खेती कानूनों के उत्ते बोलने का हक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत है और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है तीन कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। कंगना ने इस तो पहला भी किसान आंदोलन के उत्ते बयान दिता सी। कंगना के उस बयान तो भी बीजेपी ने किनारा कर लिया सी।